नेक्स्ट नाइन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट नाइन न्यूज में एक ऐसी महिला की जिसने कि 99 साल में पढ़ाई शुरू की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना की यूसेबिया की। जी हाँ, यूसेबिया ने अपने 99 साल पूरे कर लिए हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई का जो ख्वाब था उसे पूरा करने का सोचा है। किस तरीके से यूसेबिया स्कूल जाती हैं, पढ़ाई करती हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ घुल मिल कर रहती हैं और उनके जो टीचर्स हैं वो उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। अर्जेंटीना में 99 साल की एक महिला इस वक्त काफी सुर्खियों में है। दरअसल इस उम्र में बुजुर्ग महिला ने फैसला किया है स्कूल जाने और पढ़ाई लिखाई करने का। यूसेबिया लियोनोर कार्डले नाम की इस महिला ने काफी कम उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। एक स्थानीय न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक मां के निधन और अन्य पारिवारिक समस्याओं की वजह से यूसेबिया किताबों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई और कुछ ही समय बाद उन्होंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। लेकिन अब यूसेबिया ने तय किया है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू करेंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूसेबिया ने 98 साल की उम्र में तय किया कि वो अब स्कूल जाकर पढ़ाई करेंगी। इस फैसले के बाद तब से लेकर अब तक यूसेबिया ने एक दिन भी स्कूल जाना नहीं छोड़ा। हर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को स्कूल की एक शिक्षिका पैट्रिका यूसेबिया को स्कूल जरूर लेकर जाती है। स्कूल जाते हुए यूसेबिया का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि 99 साल की यूसेबिया हाथों में छड़ी लेकर सड़क पर खड़ी है। उनके स्कूल की टीचर उनका हाथ पकड़कर उन्हें स्कूल की दहलीज तक ले जाती हैं। यूसेबिया की माने तो उम्र ढलने से याददाश्त काफी हद तक कम होने लगी है। उन्हें समय का फर्क अच्छी तरह मालूम है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सोचा और स्कूल पहुंची। वो पहले का पढ़ा लिखा सब कुछ भूल चुकी है। कैसे लिखते और पढ़ते हैं ये भी उन्हें याद नहीं। हालांकि वो पढ़ने लिखने में समर्थ हैं। यूसेबिया सिर्फ पढ़ाई ही पूरी नहीं करना चाहती बल्कि अलग अलग विषयों में भी इनका इंटरेस्ट है। ये कंप्यूटर चलाना भी सीखना चाहती है। इनके इस प्रयास को सभी सराह रहे हैं और इनके हौसले को सलाम कर रहे हैं। यूसेबिया को उम्मीद है कि जल्द ही वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना भी सीख जाएंगी। कहते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। इसी बात को अर्जेंटीना की 99 साल की बुजुर्ग महिला यूसेबिया लियोनोर कार्डल ने सच साबित कर दिखाया है और इन्होंने अपनी शिक्षा को एक और मौका देने का फैसला किया और चली आई स्कूल। आज वो अपने पोते पोती के उम्र के बच्चों के साथ स्कूल की कुर्सियों में बैठकर पढ़ाई कर रही हैं। तो अगर आपके भी हैं सपने तो आप भी उन्हें साकार कर सकते हैं, क्योंकि सपनों की कोई उम्र नहीं होती, जरूरत होती है तो बस हौसलों की। तो आप भी सपने देखिए और दीजिए उन्हें ख्यालों के पंख और भर लीजिए उड़ान। तो आपने देखा कि सपनों की बस उड़ान होनी चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए, फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से यूसेबिया जो है वो दादी की उम्र की है, 99 साल पूरे कर लिए उन्होंने और उसके बावजूद वो स्कूल जा रही है, पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उनका सपना था कि उन्हें हर चीज की जानकारी हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं उसकी वो जानकारी रखना पसंद करती हैं, उनमें इंटरेस्ट है उनका और इसलिए वो पढ़ाई करना चाहती थी, साथ ही कंप्यूटर भी सीख रही है। तो ऐसे में अगर आपके भी हैं सपने तो जरूर उन्हें हौसलों की उड़ान दीजिए, तभी वो साकार होंगे। इसी के साथ ही नेक्स्ट नाइन न्यूज में शशि को दीजिए इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज। नमस्कार, सब्सक्राइब करना ना भूलें।